प्रणाम महासभापति जी। प्रणाम। आपने मूर्ति बना ली? हाँ, वो भी नींद में। ये तो मैंने देख लिया, वरना मैं भी यकीन नहीं करती कि इतनी सुंदर मूर्ति रामलला की इन्होंने बनाई नींद में। ये सब साई की लीला है श्रीकांत जी। पार्वती कह रही है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि ये मूर्ति मैंने बनाई हो। इतना अवश्य याद है कि मेरे सपने में मुझसे मिलने साई आए थे। चलिए, जैसे भी बनी मूर्ति बन तो गई साई की कृपा से। अब हमें इसे द्वारका माई ले जाने की जरूरत है। भूलिए मत, ये कार्य प्रतियोगिता का एक हिस्सा है। उधर दिलावर भाईजान भी दिए तैयार कर चुके हैं। जल्दी कीजिए, अगर देर हो गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ, चलिए। ये लीजिए सेठ जी, अब नाप बराबर है। अरे सवारी तैयार करो। सवारी गई भाट में, बिल्कुल समय नहीं है, दौड़ो। किसी भी हाल में मुझे उनसे पहले साईं के पास पहुंचना होगा। अरे चलो जल्दी चलो। मूर्ति को कोई नुकसान पहुंचे, इससे बेहतर तो यह है कि हम सबसे अंत में पहुंचे। पहले पहुंचने से कहीं ज्यादा साई के साथ उर्स मनाना हमारे लिए मायने रखता है, इसलिए संभल कर चलने में ही अकलमंदी है। पता नहीं साईं पहले कौन आएगा। तेरा इंतजार खत्म हुआ लक्ष्मी, अपने पीछे देख। साईं, 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 मैं जीत गया। सबसे पहले मैं यहां आया हूं। बधाई हो मूलचंद जी। साईं, आप इसे पहनकर एक बार देख लीजिए, ताकि आप बता सके कि इस बार माप बिल्कुल सही है, और फिर मेरे विजय की घोषणा कर दीजिए, ताकि प्रतियोगिता के शर्त के अनुसार आपके साथ सबसे पहले जश्न मैं मनाऊंगा। जरूर पहना दो। मुझे अफसोस है कि आप लोग इस बार भी मुझसे जीत नहीं सके। साईं, इस बार मैंने खुद सुनिश्चित किया है कि पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ ना हो। मन में साईं के क्या है, कौन जान पाए।
बार तो मुकुट का माप सही लिया था, फिर ये कैसे मुमकिन है? याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ। ये कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तक तो ये बिल्कुल ठीक था। नालायक कारीगर, एक मुकुट का माप ठीक से नहीं ले सकता तू। कोई बात नहीं मूलचंद जी, गलती तो सभी से हो जाया करती है, और वैसे भी यहां दो समूह और मौजूद हैं। आप लोग आगे आइए। ये मूर्ति आपने बनाई है? कैसे? जिसके साथ साईं का आशीर्वाद हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मूलचंद जी। माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। लेकिन हमें यह भी देख लेना चाहिए कि मूर्ति ठीक से बनी भी है या नहीं, हड़बड़ी में कोई कमी तो नहीं रह गई? आप देखभाल के अपनी तसल्ली कर लीजिए। ठीक है साईं। इससे पहले कि हम विजेता का फैसला करें, विजेता की घोषणा करें, क्योंकि महालसापति जी ने मूर्ति बना ली है, हमें दिलावर भाई के दिए भी देख लेने चाहिए। लाइए दिलावर भाई, दिए रखिए। हाँ साईं, पूरे 1001 दिए हैं, और 1001 अंक बहुत ही मुबारक अंक होता है साईं। क्या आप इंद्रियों को भी जांचना चाहेंगे कि ना चाहेंगे कि ये सब ठीक हैं या नहीं? नहीं सर, नहीं। तो ठीक है, तो चूंकि महालसापति जी और दिलावर भाई दोनों एक ही समय एक साथ आए हैं, इसलिए ये दोनों ही विजेता हैं। तो ये तय रहा कि हम रामनवमी और उर्स दोनों साथ साथ मनाएंगे। लेकिन कैसे साईं? पालकी और उर्स का जुलूस दोनों साथ साथ निकलेंगे। बधाई हो महालसापति जी। धन्यवाद। मुबारक हो दिलावर भाई जान, आप दोनों ने ये सब बिना तजुर्बे कर दिखाया है। गद्दार, धोखेबाज,
क्या हुआ सर जी? अब मुझे समझ में आया, मैं ये प्रतियोगिता हार गया वो भी तेरे कारण, और तू इन्हें बधाइयां दे रहा है। क्या मतलब? क्या मतलब? एक मंजा हुआ कारीगर, एक जाना माना सुनार, जिसका इस इलाके में उसके काम के लिए बहुत ही नाम है, उससे एक ही गलती दो दो बार होती है, ये बात हजम नहीं होती। पहले तो मैं हैरान था, लेकिन अब समझ गया हूं, आप सबने धोखा दिया है मुझे। महलसा पति और दिलावर भाईजान ने इस कारीगर को मुकुट का माप बदलने के लिए और मुकुट का आकार बदलने के लिए पैसे दिए हैं, ताकि मैं जीत ना सकूं। मूलचंद जी, दिलावर अपने ईमान का पक्का है, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि जीतने के लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार करें। आप कहेंगे और मैं मान लूंगा। ये लोग सही कह रहे हैं, इन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। यानी भूत का गवाह प्रेत आत्मा, तुम तो यही कहोगे, क्योंकि इन गांव वालों के साथ तुम्हारी मिलीभगत जो है। साईं, आप ही कुछ बोलिए ना। बोलना क्या है मूलचंद जी, आप ही तो कह रहे थे ये प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिता में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जीतने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आरोप की पुष्टि के लिए साक्ष्य की जरूरत होती है। जो आप कह रहे हैं उसे सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत है क्या? और अगर आपको लग रहा है कि जानबूझकर कारीगर ने बेईमानी की है, वो जानबूझकर गलत माप ले रहा था, तो आप माप क्यों नहीं ले लेते? हाँ साईं, यही ठीक रहेगा। वैसे भी मैं प्रतियोगिता हार ही चुका हूँ, आपको वादा किया था वैसा मुकुट बनाकर कम से कम आपको भेंट तो दे पाऊंगा। भले ही ये लोग जीत गए हैं, लेकिन इनकी बनाई गई वस्तुओं से अधिक कीमती मेरा ही मुकुट होगा, जो मैं आपको भेंट में दूंगा। ठीक है, मालसापति जी, हम यहाँ यहाँ शामियाना लगाएंगे और पूरे शिरडी को फूलों और पताकों से सजा देंगे। बाजार से जाकर कई झंडे लेके आएंगे और गांव की औरतें बहुत सारा प्रसाद बनाएंगी, बच्चे नए नए कपड़े लेंगे, और रामलला की मूर्ति यहाँ होगी पास में चंदन का थाल, और फिर साथ में निकालेंगे जुलूस और पालकी। हम दो जश्न एक साथ मनाएंगे। दो नहीं, तीन जश्न मनेंगे। तुमने बड़ी देर कर दी आने में, पता है यहाँ पे क्या क्या हुआ? यहाँ पे जो कुछ भी हुआ हो उससे भी बड़ी खबर मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। साईं, हमने चंपा का रिश्ता भैरू के साथ पक्का कर लिया है। रामनवमी के अगले दिन ही हम चंपा की शादी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उसके कई महीनों बाद तक कोई मुहूर्त नहीं है। बधाई हो चंपा, रामदास जी आपको भी। साईं, अब हम चलते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। जितनी चाहे उतनी योजना बना लो, मैं भी देखता हूं तुम उसे पूरा कैसे कर पाते हो। मैं भी चलता हूँ साईं, मुझे भी बहुत कुछ करना बाकी है। राम जी भला कर।
हमें जिन चीजों का इंतजाम करना है वो है शामियाने के लिए कपड़ा, फूल, संदन की थाल, मिठाइयाँ, फल। शामियाने के लिए कपड़ा हो चाहे फूल, चंदन, मिठाइयाँ, लोबान, गुलाल, कपास, पूरा का पूरा बाजार खरीद लो। किसी को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये लोग क्या समझते हैं, भजन करके चार पैसे जोड़ जाड़ के ये लोग मुझे सेठ मूलचंद को हराएंगे। लेकिन मैं अगर हारा तो किसी और को भी जीतने नहीं दूंगा। आप आ गए, बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं खाने का समय नहीं है मेरे पास, रामनवमी की तैयारी के लिए सामान लेने जाना है। मैं तो बस ये बताने आया था कि आज घर आने में मुझे देर हो जाएगी। अरे आप पूरा काम निपटा कर आइए, लेकिन खाना खाकर जाइए ना। वैसे ही देर हो चुकी है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। अरे बाजार का खाना भी कोई खाना होता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आई ऐसा कह रही है। भिक्षाम दे। साई। प्रणाम साई। राम जी भला करे। आज आप पहली बार हमारे घर आए हैं। मेरा घर आपके वजह से ही बसा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप यहां से खाना खाकर ही जाए और अध्यापक जी को भी समझा दीजिए। रामनवमी की तैयारी में सुबह से भूखे पेट घूम रहे हैं गांव में। इनके पास दो पल का भी समय नहीं है खाना खाने के लिए। इन्हें समझाइए कि खाना खाकर ही घर से निकला करें। चिवताई सही कह रही है श्रीकांत जी, आज आप बहुत देर तक घर से बाहर रहने वाले हैं, तो आपको कुछ खाकर ही जाना चाहिए, बेहतर रहेगा। आपको हमारी वो पहली मुलाकात याद है जब मैंने आपसे कहा था कि भूख और प्यास शरीर की दो जरूरतें हैं और इनकी कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जी साईं याद है, और आपकी बात कोई कैसे टाल सकता है। मैं अभी खाना लगा देती हूँ। आपके पास भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। अरे उस दुकान में भी कुछ नहीं मिला, यहाँ पर भी मैं एक भी फूल नहीं मिला। यार सारी दुकानें क्यों बंद हैं? लेकिन सारी मिठाइयाँ कैसे खत्म हो गई? एक आदमी आया और सारी मिठाइयाँ ले गया, पता नहीं कौन था। अरे भाई रुको जरा, हमें कुछ सामान खरीदना है। दिलावर भाई कुछ बचा हो तो ले जाइए। क्या मतलब? ये तो हद हो गई, सुबह से एक भी चीज नहीं खरीद पाए हम लोग। सभी दुकानों का माल बिक गया, ये कैसे मुमकिन है? कौन इंसान है जो ऐसा कर रहा है? उन्होंने बताने से मना किया है दिलावर भाई। मना तो किया है, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि कोई सारा बाजार ही खाली कर दे। देखो भाई, हमें साई के साथ रामनवमी और उस मनाने के लिए चीजें चाहिए। अगर तुम हमें बता दो कि वो कौन है तो हम खुद उसके पास जाकर वो चीजें मांग सकते हैं। जो आदमी खरीदने आया था वो किसी मूलचंद सेठ का नाम ले रहा था।
सेठ मूलचंद, भला वो ऐसा क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है श्रीकांत जी, सेठ जी अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि शिरडी में कोई भी रामनवमी और उर्स न मना पाए। अब मुझे यकीन हुआ कि शिरडी में जितने भी कुम्हार और मूर्तिकार हैं, उन सबको सेठ मूलचंद ने ही उलझाया होगा। अब क्या करना है? हम उनसे किसी भी हाल में सारी चीजें वापस लेके आएंगे, चाहे उसके लिए हमें लड़ना ही क्यों ना पड़े। जाके सेठ मूलचंद जी से पूछते हैं ना, वही जवाब देंगे। आप ठीक कह रहे हैं, हम सब चलते हैं। चलिए। सेठ मूलचंद से बातचीत करने से क्या होगा, जो सामान उन्होंने लिया है वो शायद आपको वापस मिल भी जाए, लेकिन इससे आपको त्योहार मनाने का सच्चा अर्थ तो ज्ञात नहीं होगा। त्योहार इसलिए मनाया जाता है ताकि खुशियां बांटी जा सके। क्या बिना फूलों के खुशियां नहीं बांटी जा सकती, या बिना मिठाई खिलाए गले नहीं मिला जा सकता, या सिर्फ भक्ति और आस्था काफी नहीं है? बोलिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं, हम बाकी सब चीजों के बिना तो काम चला सकते हैं, लेकिन बिना फूल के हम पूजा कैसे कर पाएंगे? आज जो हुआ उसे देखकर तो ये लग रहा है कि जैसे शिरडी के सारे पौधों से फूल तोड़ ले गए होंगे साईं। फूल नहीं है तो पत्थर चढ़ाइए, क्या फर्क पड़ता है? हीरा, पन्ना, जवाहरात, ये भी तो पत्थर ही है, इन्हें भी तो हम ईश्वर पर चढ़ाते ही हैं ना। लेकिन साईं, पत्थर फूल की जगह कैसे ले सकते हैं? अगर पत्थर में भगवान नजर आ सकता है तो फिर फूल क्यों नहीं? अगर आस्था हो, मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो सब कुछ संभव है। ठीक है, अगर साईं ऐसा कह रहे हैं तो यही सही, लेकिन जिसने भी हमारी खुशियों को बेरंग करने की कोशिश की है उसे किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने देंगे। अपने पीर का उर्स और रामनवमी का त्योहार तो हम एक साथ मना के ही रहेंगे। सबसे बोल तो दिया है, लेकिन हम उत्सव कैसे मनाएंगे? दियों में तेल नहीं है, उस मनाने के लिए चंदन भी नहीं है साईं। सबूरी माल सपति जी, सबूरी।
देखिए साईं, आपके साथ उत्सव मनाने के लिए मैं सारी सामग्री लेके आया हूँ। ये फल, मिठाइयाँ, हल्दी, फूल, तेल, चंदन सब लाया हूँ। साईं, इससे तो मैं निपटता हूँ। शांत दिलावर भाई। त्योहार मनाने के लिए पहले अपने मन को शांत रखना जरूरी होता है। साईं, रामनवमी की बधाइयाँ। आपको भी। और अपने वादे के मुताबिक मैं आपके लिए मुकुट बनवा कर लाया हूं। साईं, पिछला कारीगर 9 सीखा था, इसलिए मैंने उसे निकाल कर इस मर्तबा एक तजुर्बे वाले बेहतरीन कारीगर से आपका मुकुट बनवाया है। मुझे यकीन है इस बार यह मुकुट आपके सर पे बिल्कुल सही बैठेगा। आप खुद जांच पर रखकर तसल्ली कर लीजिए। जी साईं। मालिक, आपने क्या कर दिया? ये पत्थर, कोयला, राख कहां से आ गया? मूर्खो, ये क्या लेके आए हो? पूजा पाठ में पत्थर जगा हुआ क्या? और क्या कोयले में भोग में लगाऊंगा? ये क्या दुर्गंध आ रही है? और ये सोने का मुकुट कांटे का कैसे हो गया? मालिक, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? सब कुछ तो सामने है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सोने का मुकुट कांटे का हो गया है, फूल पत्थर बन गए, मिठाइयां कोयला हो गई है, ये चंदन सड़ गया है और इसमें से तो दुर्गंध आ रही है। मूलचंद आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? सब वैसा का वैसा ही तो है। मूलचंद जी, ये मुकुट सोने का ही है। मूलचंद जी, फूल और मिठाइयां भी ताजी हैं।
मतलब आप सब मेरी चीजों को देख पा रहे हैं? वो वैसे की वैसे ही है। यानी सिर्फ मेरी नजरें धोखा खा रही। ये मुझे क्या हो गया है साईं? महालसपति जी, दिलावर भाई, आप लोग जो कंकड़ पत्थर वाले थैले लाए थे वो ले आइए। जी मुझे क्या हो गया है साईं? मेरी लाई हुई चीजें राख कैसे बन गई? महालसपति जी, दिलावर भाई, आप लोग जो कंकड़ पत्थर वाले थैले लाए थे वो ले आइए। जी कैसे संभव है? हमने तो पत्थर लाया था, फिर ये फूल। साईं, क्या ये आप कर रहे? और क्यों? मैं तो आपको उपहार देना चाहता था, मैं आपको खुश करना चाहता था। क्या मेरी भक्ति का मोल आपके लिए कुछ भी नहीं है? ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने जो आप मेरी सच्ची भक्ति पे प्रसन्न होने के बजाय मुझे सजा दे रहे हैं? भक्ति को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती मूलचंद जी, आप केवल इस बात से परेशान हो गए कि मैंने आपके बारे में नहीं सोचा। पर जब आपने शिरडी के सारे मूर्तिकारों को, सारे कुम्हारों को जानबूझकर दूसरे काम पर इसलिए लगा दिया था कि महालसपति जी, दिलावर भाई और गांव वालों को समय पर मूर्ति और दिए प्राप्त ना हो सके, तब क्या आपने इनके बारे में सोचा था? आप यहां आभार प्रकट करने आए थे या फिर अपने धन का दिखावा करने के लिए? सिर्फ थोड़ा सा धन पाकर आप इतना बदल गए, घमंड में इतना चूर हो गए कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए आपने गांव वालों की खुशियों को, उनके त्योहार को, उनके उत्सव को खराब करने की हर संभव कोशिश की। पर अपने तमाम प्रयासों के बाद भी जब आप उन्हें रोक नहीं सके, महालसपति जी मूर्ति बनाने में सफल हुए, दिलावर भाई ने दिए बना लिए, गांव वाले उत्सव की तैयारी करने लगे, तो आपने सारा बाजार ही खरीद लिया।
ताकि इन्हें उत्सव मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए सामान ही न मिल सके। क्यों? मैं तो सिर्फ आपको बिल्कुल भेंट करना चाहता था। लेकिन क्यों? क्या आपने कभी सोचा क्या मुझे मुकुट की जरूरत है? मूलचंद जी, मैं तो बैरागी हूं। मेरी मां प्रकृति मुझे जो कुछ भी दे देती है उसी पर जीता हूं मैं, और जो ये नहीं देती वो शिरडी वासी दे देते हैं मुझे भिक्षा में। क्या आपने कभी सोचा? अगर आपने सोचा होता तो लोगों को इतनी तकलीफ, इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। और सच तो ये है कि आपकी इच्छा धन से ज्यादा अपने आप को सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, दूसरों से धनवान दिखाने की थी। मूलचंद जी, जहां मन से भक्ति हो वहां धन की शक्ति का कोई मोल नहीं रह जाता है। देखिए महाल सपति जी की तरफ, दिलावर भाई की तरफ, इन गांव वालों की तरफ। इनके पास आपके जैसे साधन नहीं है, बहुत पैसे भी नहीं है इनके पास, पर फिर भी आप इनसे पिछड़ गए हैं। यहां हार जीत की बात इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि यहां सभी अपने हैं, सब अपने ही तो हैं। पर हां, कुछ लोग हैं जो राह से भटक गए हैं। मैं अपनी कमी पे बहुत शर्मिंदा हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आज पता चला कि भक्ति क्या होती है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए साईं। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। नहीं नहीं, मेरा मतलब फिर से धन का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि जो सामग्री मैं लाया हूं उसे आप लोग इस्तेमाल कीजिए। और मेरी विनती है, मुझे भी अपने साथ उत्सव मनाने की अनुमति दीजिए। आइए हम सब एक साथ मिलकर रामनवमी की पालकी और उर्स का जुलूस निकालें। आपके 1001 दियों ने तो पूरी द्वारका माई को रोशन कर दिया दिलावर भाई। आमीन। साईं, सबने खाना खा लिया, अब हम सब चलते हैं। अच्छा साईं, आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें।
साईं, अब आज्ञा दीजिए। मन तो था और रुकने का, लेकिन काम भी बहुत है। आपकी अमानत साईं मुझे नहीं चाहिए। ये मेरे भक्ति का नहीं, मेरे अहंकार का प्रतीक है। इसके वजह से मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है। इसे बेचकर इससे जो धन प्राप्त हो उसे लोगों के कल्याण कार्यों में लगाइएगा। ले जाइए। जैसा आप कहे साईं। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। आपको वचन देता हूं साईं, उन पैसों से मैं गांव में नए कुएं खोदवाऊंगा, ताकि गांव वालों को और पशु पक्षियों को पानी की सुविधा मिले। राम जी भला करे। जी साईं। साईं, अब मेरे भी रुखसती का वक्त आ गया है, मुझे इजाजत दीजिए। दिलावर भाई, मूलचंद जी ठहरे व्यापारी, इसलिए उन्हें जाना ही था, पर आपके शागिर्द एक और दिन इंतजार कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि आप एक दिन और रुक जाएं। एक और जलसा होने वाला है। जैसे आपकी मर्जी साईं। राम जी वाला करें। आइए। जिफरी, क्या हुआ? तेरी शादी, ये तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन तेरी शादी तय हो जाए और मुझे सारे गांव वालों के साथ पता चले, तो फिर गांव वालों में और मुझ में क्या फर्क रह गया? क्या करूं जिफरी, मुहूर्त इतनी जल्दी का निकला, समय ही नहीं मिला। मजाक कर रही हूँ मैं। चंपा, अच्छे से सोच लिया है ना लड़के वालों के बारे में? आई बाबा ने सब पता कर लिया है और साई ने भी कहा कि भैरू अच्छा लड़का है। अगर साई ने कहा है कि सब कुछ अच्छा है तो भी मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हे भगवान, चंपा आज तेरी शादी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बगैर क्या करूंगी। क्या करूंगी मतलब? मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ, यही रहूंगी शिरडी में, कुछ नहीं बदलेगा। नहीं चंपा, शादी के बाद चीजें बदल जाती है। जैसे हम पहले घंटों बैठ के बात किया करते थे, गांव में घूमा फिरा करते थे, हम दोनों के पास कितना समय हुआ करता था। लेकिन अब तेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ होगी? नई नई जिम्मेदारियां होंगी ना तेरे सर पर। तो
राधे और केशव कुछ काम से आ नहीं सके और गणपत भाव ने तुम्हारे लिए बहुत सारे शुभकामनाएं और उपहार भेजे हैं। आज से तुम दोनों पति पत्नी के रूप में एक नया जीवन शुरू करने वाले हो। इस नए जीवन, इस संबंध की सफलता का मूल मंत्र जानते हो? इसका मंत्र है एक दूसरे का सम्मान करना। और एक दूसरे का सम्मान करने के लिए एक दूसरे की अच्छाई बुराई को जानना, उसे समझना, उसे स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है। तभी तुम जीवन में एक दूसरे के पूरक बन पाओगे, एक दूसरे के जीवन को संतुलित कर पाओगे। फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य बना रहेगा। और हां, आप भी एक बात याद रखिएगा, आप बेटी को विदा कर रही हैं, संबंधों को नहीं। आपकी बेटी भले ही अपनी ससुराल चली जाए, पर रहेगी तो आपकी बेटी ही ना। इसलिए समय समय पर इसकी सुध बुध लेती रहिएगा, ताकि इसे ये यकीन बना रहे कि शादी करके इसने एक घर खोया नहीं है, बल्कि एक और घर पा लिया है। जरूर साईं। ये तो शिरडी में ही रहेगी, मैं हालचाल देता रहूंगा। और आप भी जीवन में एक बात याद रखिएगा, आपने अपनी बहू खुद चुनी है। अब जीवन में चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां आए, अपनी बहू का साथ देना यह आपका फर्ज होगा, आपका धर्म होगा। ऐसे शुभ समय पर साई ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ध्यान रखूंगी साई, चंपा को अपने घर से दूर होने का एहसास
कभी नहीं होने दूंगी। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। चंपा तैयार हुई? हाय। चल निगोया। ये क्या इतना साधारण सा हार पहन के गांव के समारोह में मेरी बहू जाएगी? पिछले महीने तेरे लिए वो हार बनवाया था, वो कहाँ है? रुक। हाँ मिल गया, ये पहन ले। गांव में तेरे जैसी बहू किसी की नहीं है। सबसे समझदार, सबका ख्याल रखने वाली। थोड़ा अपना भी ख्याल रखा कर, सत सवर कर, बन ठन के रहा कर। चल निकलते हैं वरना बाहर से समारोह शुरू हो जाएगा। कुणी गोविंद घ्या कुणी गोपाळ घ्या कुणी माधव घ्या कुणी केशव घ्या। काकी अब जल्दी से मुन्ने का नामकरण कीजिए। हाँ हमें भी तो बताइए पोते का क्या नाम रखा आपने? मैंने अपने पोते का नाम शैलेश रखा है। अरे वाह बच्चा है। कमला इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। हमारे घर में बरकत हो रही है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। और कहते हैं ना, देने वाले का दिल देखा जाता है, उपहार नहीं। और उपहार ऐसा होना चाहिए कि उसको देखते ही देने वाले की याद आ जाए। वो क्या है ना, भगवान की दया से भैरू बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरकार खुश है उस पे, बहुत तरक्की कर रहा है मेरा भैरू। चला पापा। इस औरत को तो अपनी बड़ाई मारने का मौका ही चाहिए। जब देखो तब दिखावा। सही कह रही हूँ काकी, कमला से जब भी मिलो ना तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी नेमतें, सारी अच्छी चीजें ना सिर्फ इसी के पास है। हम सब तो बदकिस्मत पैदा हुए हैं। कहीं नहीं दीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। लड्डू कैसे बनाए हैं? आकार तो एक जैसा होना चाहिए ना? नहीं, किसी पे बादाम है किसी पे नहीं है। अरे काकी, सारे गांव के लोग आने वाले हैं और मेहमानों की संख्या भी ज्यादा है और समय भी बहुत कम था, मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं था।
इसलिए जल्दी में आकर ध्यान नहीं रहा। वैसे स्वाद में कोई कमी नहीं है, आप चक्कर देखिए। मदद की जरूरत थी तो मेरी चंपा को बुला लेती, इससे दुगने लोगों का खाना अकेली बना लेती है वो। ऐसे ही चुनके नहीं लाई हूँ मैं इसे, कोई नूर है मेरी बहू। आप लोगों के पास तो समय होगा ना, वैसे भी कोई बच्चा बच्चा नहीं है ना आपके यहाँ, काम ही क्या है आपके यहाँ। वैसे आपकी बहू की शादी भी मेरी शादी से कुछ महीने पहले हुई थी ना, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी उसने। अरे सरस्वती देख तो, शैलेश कितना रो रहा है। ना, ना, बच्चा, ना। जा दूध पिला उसे, जा अंदर। कमला तू तो गांव के तरह तरह के समारोह में जाती है, तुझे तो अपने घर में किसी को दावत पे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान ने तुझे कोई शुभ अवसर दिया ही नहीं है। ओ भैरू का ध्यान हर समय काम पे रहता है ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है उसको, इसलिए अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच नहीं पा रहा है वो। आई आई घर चली, बारसा की रस्म पूरी हो गई, चली आई चली। हिम्मत कैसे हुई उसकी ये सब कहने की? मुझे पता है गांव की औरतें सब मुझसे ईर्ष्या करती है, जलती है मुझसे, क्योंकि मैं उन लोगों से बेहतर हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा रहन सहन, साड़ी कंगन चूड़ी सब उनसे बेहतर है। आई जब आप जानती है तो फिर उनकी बातों को दिल से क्यों लगा रही है? क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि उनके पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है। उसने जो कहा उसका ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? उसने जो कहा उसका जवाब नहीं था मेरे पास। मैं आज ही बन गई होती तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता ना।